हेलो एवरीवन, ये हमारी लेक्चर सीरीज की सेकंड वीडियो है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम ट्वेल्थ की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। तो रेगुलरली हम जैसे टॉपिक वाइज टॉपिक करते जा रहे हैं और साथ में हम इनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी वो आपको बाद में डिटेल्स में बता दिया जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम मेन दो टॉपिक हैं जिनको डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो देखिए, हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, और विद्युत आवेश के कुछ गुण पढ़े थे, यानी कुछ उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। और उसके अलावा हमने एक टॉपिक और पढ़ा था प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप कंटिन्यू लेक्चर वन से शुरू कीजिए, उसके बाद आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इस लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक पढ़ेंगे मेनली। कौन से? एक पढ़ेंगे विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के मूल गुण, विद्युत आवेश के मूल गुण, या ऐसे बोल सकते हैं तो विद्युत आवेश के कुछ नियम, विद्युत आवेश के मूल गुण या विद्युत आवेश के नियम। और इसके अलावा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम देखिए, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। हालांकि ये कोई नहीं पूछता आवेश किसे कहते हैं, ये ट्वेल्थ बोर्ड में नहीं पूछे जाते। आप एज ए बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप इनके डेफिनेशंस को पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। हालांकि जो इम्पोर्टेंट सेक्शन शुरू होता है वो लेक्चर टू से ही शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर आ गया कूलाम का नियम। अब देखिएगा, हमारा पहला टॉपिक है विद्युत आवेश के मूल नियम। तो विद्युत आवेश के मूल नियमों को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं, तो बातें सुनिएगा बड़े ध्यान से। विद्युत आवेश के तीन नियम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और तीन नियम उनको मूल नियम कहते हो, या वो ही नियम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर एग्जाम्स में पूछे जाते, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी, एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। बस इनके अलावा आगे हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। अब सुनिएगा, पहला नियम आवेशों की योज्यता का नियम। एक बार इसको हटा देते हैं, हेडिंग रेडी हुई है, ठीक है। अब विद्युत आवेश के जो नियम होते हैं वो तीन नियम है। तीन नियम कौन कौन से? पहला है आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता का नियम, आवेशों की योज्यता का नियम। दूसरा नियम है आवेश संरक्षण का नियम। कौन सा नियम है? आवेश संरक्षण का नियम, आवेशों की योज्यता का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। और तीसरा नियम है क्वांटीकरण का नियम। अब देखिए, मेनली तीन नियम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला नियम है आवेशों की योज्यता का नियम, और दूसरा नियम है आवेशों के संरक्षण का नियम, और जो तीसरा नियम है सबसे इंपॉर्टेंट, आवेशों के क्वांटीकरण का नियम। अब देखिएगा, आवेशों की योज्यता के नियम को पहले हम ओरली इसकी बात करेंगे, उसके बाद बोर्ड पे सॉल्व करेंगे।
बोर्ड पे भी आपको बताया जाएगा बाकायदा पूरी डेफिनेशन के साथ। तो देखिए आपको मेन चीज़ यह है कि अगर आप किसी चीज़ को ओरली समझते हो या ओरली किसी से सुनते हो तो वो जल्दी याद होती है बाकायदा खुद पढ़ने की बजाय। अब सुनिएगा आवेशों की योज्यता का नियम। आवेशों की योज्यता का नियम क्या कहता है? आवेशों की योज्यता का नियम यह बताता है कि यदि किसी निकाय के अंदर बहुत सारे आवेश हैं तो उस निकाय का कुल आवेश उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। इसे कहते हैं आवेशों के योज्यता का नियम। देखिए अब ये हमने डिस्कस किया आवेशों की योज्यता का नियम। आवेशों की योज्यता का नियम क्या था? आवेशों की योज्यता का नियम ये बताता है कि यदि किसी निकाय के अंदर बहुत सारे आवेश हैं तो उस निकाय का कुल आवेश, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिएगा ये एक निकाय है, क्या है, जिसके अंदर बहुत सारे आवेश हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, जिसके अंदर पांच आवेश है Q1 Q2 Q3 और Q4 और Q5। तो आवेशों की योज्यता का नियम यह बताता है कि इस निकाय का कुल आवेश, तो इस निकाय का कुल आवेश, अभी निकाय कुछ भी हो सकता है, तो इस निकाय का एक रैंडमली चूज किया है हमने ऐसे ही, तो इस निकाय का कुल आवेश क्या होगा क्यू, या फिर कैपिटल क्यू दिखा दो या स्मॉल क्यू से दिखा दो, बेसिकली कैपिटल क्यू से ही दिखाते हैं हम। तो कुल आवेश इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो इस निकाय का कुल आवेश इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, आवेशों की योज्यता का नियम ये बताता है। अब सेकंड डिस्कशन क्या है? आवेश संरक्षण का नियम। देखिए आवेश संरक्षण का नियम, अब आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? आवेश संरक्षण का नियम यह कहता है, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार, इसको तो हमने डिस्कस कर लिया, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार ना किसी आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है इस पूरे यूनिवर्स में, जिस तरह द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जरूर जा सकता है। ठीक उसी तरह आवेशों को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इनका केवल स्थानांतरण ही संभव है। आवेशों का केवल स्थानांतरण ही संभव है, आवेश संरक्षण का नियम हमें यह बताता है। अब आवेश संरक्षण के नियम को देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा एक बार ये हमारा वह आवेशों की योजिता का नियम, ठीक है। अब आवेश संरक्षण का नियम, जैसे मान लीजिए आवेश संरक्षण का नियम देखते हैं, ये क्या है, दो वस्तु है, यह है एक वस्तु ए और यह है दूसरी वस्तु बी, यह क्या है एक वस्तु ए और यह है दूसरी वस्तु बी। अब इस वस्तु पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, इस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, और इस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों का आवेश क्या है, इस पर धनावेश इस पर ऋणावेश, ये तो है पॉजिटिव चार्ज ये है नेगेटिव चार्ज। अब जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगी, हालांकि प्रेरण विधि भी पढ़ी थी हमने, प्रेरण से भी संभव है, हालांकि जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, इसके पास आवेश की क्या है, इसके पास आवेश धन ऋण है, इसके पास आवेश धन है। ऋण आवेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ऋणावेश का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर आवेश की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और धनावेश का मतलब क्या है, इसके ऊपर प्रोटॉन की अधिकता है। अब ये दोनों जब एक दूसरे के संपर्क में आएगी, ये तो इसको या तो ऋणावेश दे देगा या धनावेश ले लेगा,
ऋण आवेश दे देगा या धन आवेश ले लेगा, और जब दोनों एक दूसरे से ऐसी क्रिया करेंगी तो वे उदासीन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? उदासीन। तो वे दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी? उदासीन। दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी? उदासीन हो जाएंगी, और उदासीन होकर न्यूट्रल हो जाएंगी, उनके ऊपर आवेश क्या हो जाएगा? जीरो। इस तरह आवेश संरक्षण का नियम काम करता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। अब तीसरा नियम समझते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। देखिएगा, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है? तो मैं मार्कर में इन्हें डाल लूं। आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि आवेश का क्वांटीकरण उसे कहते हैं कि आवेश के क्वांटीकरण नियम के अनुसार, कि आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार आवेश होता है किसी वस्तु के अंदर जो एक आवेश की मूल इकाई कि किसी वस्तु के अंदर का आवेश, आवेश की क्वांटीकरण के नियम के अनुसार किसी वस्तु के अंदर का आवेश आवेश की एक मूल इकाई के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, और उस मूल इकाई को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस मूल इकाई को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा, आवेशों का क्वांटीकरण, अब हमने ये भी पढ़ ली, अब बात करते हैं आवेशों की क्वांटीकरण की। आवेशों के क्वांटीकरण नियम के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश या फिर किसी वस्तु का जो आवेश होता है वो क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत होने का मतलब यह है कि उसको हम गिन सकते हैं कि उस वस्तु पर कितना आवेश है। आवेशों के क्वांटीकरण नियम के अनुसार आवेशों का क्वांटीकरण उसे कहा जाता है किसी वस्तु पर आवेश होता है उसको हम गिन सकते हैं कि उस वस्तु पर कितना आवेश है। क्या है? उस वस्तु पर कितना आवेश उपस्थित है उसको इस फॉर्मूले की मदद से Q बराबर ne, ये क्या है? उसके ऊपर उपस्थित कुल आवेश। ये क्या है? उसके ऊपर उपस्थित कुल आवेश। ये क्या है? आवेशों की संख्या, और ई क्या है? आवेश का मान, और ई क्या है? आवेश का मान। अब देखिए क्वांटीकरण के नियम में क्या होता है, ये क्या है? आवेश का मान। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए आवेशों के क्वांटीकरण में क्या होता है, इस फॉर्मूले से हम आवेशों का पता लगा सकते हैं कि किसी वस्तु पर कितना आवेश है। अब इसके अलावा होता क्या है? योज्यता के नियम को हमने पढ़ा, योज्यता के नियम के अलावा हमने आवेश संरक्षण के नियम को पढ़ा, और आवेश संरक्षण के नियम के अलावा एक और नियम है जिसका नाम है आवेशों का क्वांटीकरण। अब देखिए आवेशों के क्वांटीकरण को ढंग से समझने का प्रयास करते हैं, तो चलिए तीनों को एक बार हम एक बार लिख के देखते हैं इनका क्या प्रोसीजर है। उसके बाद पढ़ेंगे हम कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है आपके सिलेबस का। देखिएगा, मार्कर में प्रॉब्लम होगी, मार्कर में प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिएगा, देखिए अब आवेशों की योज्यता के नियम के बारे में थोड़ी लाइंस लिख लेते हैं हम। देखिएगा, आवेशों के योज्यता, आवेशों के योज्यता
देशों के योजना नियम के अनुसार किसी निकाय किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के योग के बराबर या बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए आवेशों के योजता नियम में हमने क्या पढ़ा, इसमें पढ़ा आवेशों के योजता नियम के अनुसार देखिए आवेशों के योजता नियम के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसको हम वो जो पहले चित्र बनाया था उसके माध्यम से ढंग से समझ सकते हैं। तो देखिए एक बार और बना लेते हैं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स के दौरान ही क्लास मार्कर्स में क्या हो जाता है, नहीं मार्कर लाने पड़ेंगे। ये कोई निकाय है, हो गई सही, ठीक है। ये कोई निकाय है जिसके अंदर आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 इसके अंदर आवेश है। तो आवेशों के योजता नियम के अनुसार इस निकाय का कुल आवेश कैपिटल Q इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यह योजता का नियम, संरक्षण का नियम। अब आवेश संरक्षण के नियम को लिखवाने से बेहतर है कि मैं आपको ऐसे ही समझा दूं। क्योंकि जब आपका ये पूरा लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, इस लेक्चर सीरीज को कंप्लीट होने के बाद, यानी जो आपका जब फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको इस फर्स्ट लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और वो जो नोट्स है वो आपको हमारी इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन फिजिक्स एडवाइजर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के अंदर ही अवेलेबल होंगे। देखिए संरक्षण के नियम को देखिए समझते हैं। तो आवेशों के संरक्षण नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, केवल इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित ही किया जा सकता है। यह है आवेश संरक्षण का नियम। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो वस्तु लेते हैं, ये इस पर धनावेश, इस पर ऋणावेश। जब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती है तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, क्योंकि धनावेश ऋणावेश को बैलेंस कर देता है, ऋणावेश धनावेश को बैलेंस कर देता है, और दोनों उदासीन हो जाती है। अब तीसरा है आवेशों का क्वांटिकल, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। देखिए क्वांटीकरण, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्यू बराबर एन ई, आवेशों के क्वांटीकरण का फॉर्मूला। क्वांटीकरण का मतलब यह है कि आवेश एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, मतलब इसको गिना जा सकता है कि किसी वस्तु के अंदर कितना आवेश है, और वो इस फॉर्मूले से दिया जा सकता है।
अब यहाँ पर जो Q है उसका कुल आवेश है, N क्या है आवेशों की संख्या है, और जो E है वो आवेश की मूल इकाई यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना आवेश होता है या प्रोटॉन के ऊपर जितना आवेश होता है उसका मान है। यदि हम प्रोटॉन की संख्या निकाल रहे हैं उसके अंदर प्रोटॉन्स पर कितना कितने प्रोटॉन है और उन पर आवेश निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ई में 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम को पॉजिटिव लेंगे और इसी वैल्यू को नेगेटिव लेंगे यदि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकाल रहे हैं। तो देखिए थोड़ी कैमरे की सेटिंग थोड़ी चलती हुई वीडियो में थोड़ी गड़बड़ आ गई है, तो इसको एक बार सेट कर देते हैं। देखिए आवेशों का क्वांटीकरण, थोड़ी इसके वीडियो थोड़ी ब्लर्सी हो रही थी तो उसको फोकस करने के लिए बीच में कट करना पड़ गया, दो तीन बार देखते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण इस फॉर्मूले से दिया जाता है। यहाँ पर आवेशों का क्वांटीकरण हम पहले बात कर चुके हैं कि इसको आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए क्यू बराबर एन ई, क्यू क्या है किसी वस्तु का आवेश, एन क्या है उसके अंदर कितने आवेश उपस्थित है, और ई क्या है आवेश की एक मूल इकाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनकी वैल्यू। आवेश की मूल इकाई की वैल्यू क्या होती है, E बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। यदि प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन की बात कर रहे हैं किसकी, यदि प्रोटॉन की बात कर रहे हैं आवेशों के क्वांटीकरण में तो इस वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इस वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर दोनों पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर सेम चार्ज होता है लेकिन विपरीत परिमाण विपरीत होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए अब यहाँ पे कूलाम क्या है, एक बात यह है कूलाम आवेश का एसआई मात्रक क्या है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है कूलाम, आवेश का ये क्या है एसआई मात्रक। अब देखिए यहाँ तक क्लियर, सबसे पहले हमने पढ़ा आवेशों के मूल नियम, लेकिन उससे पिछले वाले लेक्चर्स में हमने आवेश के बारे में पढ़ा, आवेशों के प्रकार पढ़े, प्रेरण द्वारा आवेश पढ़ा, लेकिन इस लेक्चर में हमने आवेशों के मूल नियम पढ़े, और इन मूल नियम के अलावा अब हम पढ़ने जा रहे हैं कूलाम का नियम। किसका, कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या होता है, देखिए आपके सिलेबस के अंदर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके अंदर ये कूलाम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ भी नहीं आपको आपकी हायर एजुकेशन में भी काम आएगा, वहाँ पर इसका अलग फॉर्म होता है और यहाँ पर इसका जनरल सिंपल सा फॉर्म है। तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो वस्तुओं के बीच यानी किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के बीच, या फिर ऐसे कह सकते हो कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए कितना सिंपल सा लॉ है आवेश संरक्षण का नियम, सॉरी कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी, वस्तुओं में आप आवेश भी कह सकते हो, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और दोनों आवेशों के परिमाण के
गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसको देखिए मैथमेटिकल फॉर्म्स कैसे देंगे। अब ये तो हो गई इसकी थ्योरेटिकल बात, क्या हो गई, एक थ्योरेटिकल मेथड हो गया ये आवेश के लिए कूलाम के नियम का। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म कैसे देंगे, इसको मैथमेटिकल फॉर्म इन ही सेंटेंस के ऊपर बेस्ड करके देंगे। पहला वाक्य मैंने क्या बोला, इसमें देखिए एक कथन है, कूलाम के नियम के दो कथन मान लो आप। पहला कथन ये कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, एग्जांपल लेते हैं, देखिए दो आवेश, एक है आवेश क्या है Q1, क्या है Q1, और ये आवेश क्या है Q2, ये आवेश क्या है Q1 और दूसरा आवेश क्या है Q2, और इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी क्या है स्मॉल r, क्या है स्मॉल r। तो आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार, सॉरी बार बार आवेश संरक्षण का नियम बोल देता हूँ लेकिन अपन बात कूलाम के नियम की कर रहे हैं। तो कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों के बीच लगने वाला बल F क्या है, इन दोनों के बीच लगने वाला बल F इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा इनके दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये क्या है कूलाम का नियम। अब देखिए इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती एफ प्रोपोर्शनल मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 का गुणनफल, और एफ प्रोपोर्शनल 1/r². अब आवेश के लिए जो कूलाम का नियम है इसको कम्प्लीटली कम्बाइंड लिखते हैं तो पूरा कूलाम का नियम, कूलाम बल जिसको अपन बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल भी बोलते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है स्थिर अवस्था में है। तो देखिए अब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो एफ प्रोपोर्शनल मोड ऑफ Q1 मल्टीप्लाई मोड ऑफ Q2 अपॉन R² इक्वेशन नंबर 3। एफ प्रोपोर्शनल, क्योंकि ब्लैक से थोड़ा डल हो गया मार्कर, तो एफ बराबर प्रोपोर्शनल, एफ प्रोपोर्शनल मोड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R² दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड रूप से लिख दिया। अब क्या करते हैं तो ये अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे निकालते हैं F बराबर K मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 अपॉन R², और ये जो है यही कूलाम बल का फॉर्मूला है। तो यहीं से निकल के आता है कूलाम बल का फॉर्मूला, क्या निकल के आता है कूलाम बल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो K है, ये के है इसको कूलाम कांस्टेंट CULUMB कूलाम कांस्टेंट बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं कूलाम कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको। अब देखिए अब जो के है इस के की वैल्यू क्या होती है, के बराबर 1/4πε₀, क्या होती है के बराबर 1/4πε₀। तो अब देखिए के बराबर, अब जो पूरा फॉर्मूला है उसको हम कैसे लिखेंगे, तो एफ बराबर 1/4πε₀ मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 अपॉन R² ये हो गया कंप्लीट फॉर्मूला कूलाम बल का। अब डिस्कस करते हैं देखिए, तो एफ बराबर 1/4πε₀ मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 अपॉन R² ये हो गया कूलाम बल का कंप्लीट फॉर्मूला। अब यहाँ पर के क्या है, कूलाम कांस्टेंट, अब इस के अंदर भी कांस्टेंट है तो के की वैल्यू होती है 1/4πε₀। 1 भी कांस्टेंट है, एक की वैल्यू इंडिया में एक है तो अमेरिका में भी एक ही रहेगी, तो ये तो कांस्टेंट है, हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। 4 भी कांस्टेंट है सिमिलरली टू 1, पाई भी कांस्टेंट है अप्रोक्सीमेट 3.14 के अराउंड इसकी वैल्यू होती है, या 22
अपॉन सेवन इसकी वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है जिसको क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10^-12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अपने पास क्या है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, क्या है, निर्वात की विद्युत, निर्वात की विद्युत, निर्वात की विद्युत शीलता। अब इस निर्वात की विद्युत शीलता की वैल्यू कितनी होती है देखिएगा, मार्कर बिना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव करेंगे। देखिए निर्वात की विद्युत शीलता, आई थिंक रेड मार्कर यूज करना चाहिए, 8.85 इंटू 10^-12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता की वैल्यू। क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता की वैल्यू। इसके अलावा यदि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को यहाँ पर रखे तो जो के की वैल्यू आती है वो होती है अप्रोक्सीमेट, जो के की वैल्यू आती है वो आती है अप्रोक्सीमेट 9 × 10^9 किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड की पावर -4 एम्पेयर की पावर -2 9 × 10^9 किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड की पावर -4 एम्पीयर की पावर -2। हालांकि ये जो वैल्यू होती है 8.98755, लेकिन इसको हम 8.98 होने के कारण इसको 9 × 10^ ही मान लेते हैं। तो ये था एक कूलाम के नियम, ये क्या है, अदिश रूप है कूलाम के नियम का, क्या है, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, क्या है, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। एक बार ये सब जो डिस्कस किया है हमने शुरू से, तो ये मेरी हैबिट्स में है कि जो पूरी वीडियो जब एंड होती है तो एक साथ मैं जो पूरा मटेरियल है जो पढ़ाते हैं उस वीडियो के अंदर उसको एक बार रिपीट जरूर करता हूँ, तो उसका रिपीटेशन शुरू करता हूँ। देखिए इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा आवेश के मूलभूत नियम या मूलभूत गुण, जिनमें आवेश के तीन मूलभूत नियम थे, कौन कौन से आवेशों के, योजिता का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश का क्वांटाइजेशन, तीन नियम थे। आवेश की योजिता के नियम के अनुसार किसी निकाय के अंदर उपस्थित बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं तो उस निकाय का कुल आवेश उन सभी आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होगा। इसके अलावा आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित ही किया जा सकता है, यह है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश का क्वांटाइजेशन, आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार आवेश एक क्वांटीकृत राशि है जिसको क्यू बराबर एनी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जहाँ पर क्यू क्या है आवेश की संख्या, एन क्या है नंबर ऑफ चार्ज, क्यू क्या है कुल आवेश ऑफ द बॉडी, एन क्या है उसके अंदर आवेश की संख्या, और ई क्या है आवेश की एक सार्वत्रिक इकाई, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10^-19 कूलाम। पर यहाँ पर कूलाम क्या है, कूलाम है आवेश का मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ आवेश। इसके बाद पढ़ा हमने कूलाम का नियम, वो जो कूलाम का नियम है वो दो कथनों पर आधारित है, पहला किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, देखिए ये इंपॉर्टेंट है उन तीनों नियमों से ज्यादा, किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला बल, किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला बल उनके बीच की दूरी आर के, उनके बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा है प्रोपोर्शनल क्यू वन क्यू टू का मॉड, और दूसरे कथन के अनुसार वो जो फोर्स होता है उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर या उनके प्रोपोर्शनल बराबर नहीं सॉरी प्रोपोर्शनल होता है। जब इन दोनों को कंबाइंड रूप से लिखेंगे तो है प्रोपोर्शनल मोड ऑफ क्यू वन मोड ऑफ क्यू टू का गुणनफल अपॉन आर स्क्वायर, और जब प्रोपोर्शनल का सिंबल रखेगा तो एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जब के की वैल्यू रखेंगे तो एफ बराबर 1 अपॉन 4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट q q2 अपॉन r स्क्वायर, जब इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे 8.85 × 10⁻¹². कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹ किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड की पावर -4 a की पावर -2 a बोले तो एम्पियर, s बोले तो सेकंड, ये सब हो जाएगा। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं ये टॉपिक्स, ठीक इसी तरह से हम आगे के वीडियो लेक्चर्स को लाते रहेंगे। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, हालांकि आती नहीं है एग्जाम्स में, पूछ लेते हैं लोग नॉलेज के लिए, पता होनी चाहिए। एक कूलम आवेश की डेफिनेशन क्या होती है, एक कूलम आवेश की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, हम जानते हैं I बराबर होता है Q अपॉन T। यदि किसी चालक के अंदर एक सेकंड में, यहाँ पर एक वैल्यू रखते हैं, तो I बराबर हो जाता है Q, क्या हो जाता है I बराबर Q। यदि किसी आवेश चालक के अंदर एक सेकंड में जितना करंट फ्लो हो रहा है वो एक कूलम आवेश को प्रदर्शित करता है, यदि एक सेकंड में प्रभावित होने वाले आवेशों की संख्या को एक एम्पेयर कहते हैं, या एक सेकंड में किसी चालक के अंदर एक एम्पेयर धारा प्रभावित हो रही है, तो यह समझिएगा उसके अंदर एक कूलम आवेशों का आवागमन या एक कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। आवेश की एसआई मात्रा होती है कूलम। तो इस हमारे ये दो लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। जो लेक्चर 1 है वो आवेश, आवेश के प्रकार, उसके प्रेरण द्वारा आवेशन, और लेक्चर 2 के अंदर आवेश के नियम, और इसके अलावा हमने कूलम के नियम को पढ़ा है, ठीक इसी तरह हम अलग अलग लेक्चर्स करते जाएंगे और उनके अंदर क्वेश्चंस भी करेंगे और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो नोट्स वगैरह लेने के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाइए, जिससे आप पीडीएफ नोट्स वगैरह स्टडी मटेरियल आपसे दूर ना रहे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके इस पेंडेमिक के दौर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।